आज मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, और मेरी फ्रेंड जो मेरी क्लासमेट है और वो अभी फ़िलहाल में ही हॉस्टल छोड़ी है और उसने रूम लिया है, तो वहाँ पे हम लोग आए। इसलिए आए क्योंकि रात्रि का बर्थडे है, तो रात्रि पार्टी देने वाली थी, तो हमने बोला कि हम सब बाहर नहीं जाएंगे, घर पे ही बना के खिला, मतलब कुछ भी। तो अभी तो हमारे हॉस्टल में बनाना भी अलाउ नहीं है, पहले था तो हम लोग हॉस्टल में ही बनाते थे, अभी हॉस्टल में अलाउ नहीं है। और मेरी फ्रेंड भी बोली थी आने के लिए, तो फिर सोचा कि आज ही चलते हैं और उसके घर पर ही खाना बना लेंगे। तो अभी हम सब आ गए हैं, तो फिर अभी चिकन बन रहा है, तो और फिर उसके बाद से सब बन जाता है, तो फिर मैं दिखा मिलाती हूँ अपनी फ्रेंड से जो कि अंदर बैठी हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ, मतलब कैसे बन रहा है। और चिकन जो बनेगा वो बंगाली स्टाइल में बनेगा, रात्रि बनाएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं, और यहाँ पर बैठी है मेरी फ्रेंड, तो आज इसके घर पर हम लोग आए हैं और ये तक देखिए बनना स्टार्ट हो गया है। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बन रहा है अंदर चल के। तो वैसे ये है आलू, जो कि बंगाली स्टाइल चिकन में आलू भी डलता है। तो रात्रि अभी आलू फ्राई कर रही है, और ये रही रात्रि। तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में। चिकन बन रहा है और हमने मोनिका को भी बुलाया है, मोनिका भी अकेले हॉस्टल में, तो बोला कि आ जाओ, तो हम लोग आए। और रात्रि अचार कर लिया, बहुत खट्टा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं और मेरी फ्रेंड का अचार है जो हम लोग खा रहे हैं चुरा के। इसको देखिए, बंद करो। ये आ रही है मोनिका, जल्दी आओ, वहाँ से आ जाओ, ये साइड से आओ, आओ आओ आओ, गेट बंद कर देना। अभी भी फोन पे ही बिजी है, किससे बात कर रही हो? सो यहाँ पे देखिए कितना मस्त दिख रहा है, यहाँ पे आसमान बहुत अच्छा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। मोनिका चप्पल खुल गया, कैसा लगा मोनिका यहाँ पे आके? मस्त लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा खुला, इतना बड़ा सा छत है, इधर रूम है, बहुत अच्छा है। चलो सोचेंगे फ्यूचर में हम लोग भी, कुछ दिन बाद फिर हम लोग भी देखेंगे कहाँ रहना है। तो गाइस हम सब यहाँ पे बैठे हैं और सब कोई अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है, और हमारा खाना भी बन रहा है। तो आपको मिलेंगे बाद में। सब कोई कपड़ा डिसाइड कर रहा है किसको क्या पहनना है। हमने यहाँ पे बहुत देर तक बैठा, बहुत देर से हम लोग यहाँ बैठे थे, बात कर रहे थे, और रात्रि का फ़ोन आ गया, पता नहीं कौन है। तो रात्रि का भी फ़ोन है। बहुत देर से हम लोग यहाँ पे बैठे थे और हमारा चिकन भी बन गया है। तो अब हम लोग चलते हैं हॉस्टल में, और हॉस्टल जाने के बाद से हम सबको बाहर भी जाना है, थोड़ा कॉलेज भी जाना है। तो फिर हम लोग जहाँ मैं जाऊँगी मैं आपको दिखा दूँगी कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं हॉस्टल। रात्रि का शायद ऑर्डर आया है, बात कर रही है इतना सीरियस होके। ठीक है, आ रही हूँ। चलिए कैंसिल कर दी भाई, 39 वाला बोलो कैंसिल, तो मैं नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दे। तो मैं कुछ ऐसे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा शीशा है, वैसे हमारे पास इतना बड़ा शीशा नहीं, जो हमारा था वो टूट चुका है। तो चलिए चलते हैं बाहर। और मेरी फ्रेंड को देख लीजिए, इसके घर पे हम सब आए थे, फ़ोन में बिजी है, पर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा घर अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है। मोनिका को तो देखिए भाई, और इसकी रूममेट भी उधर है, वो भी बाय बोलिए। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे, सो गेट लॉक कर दें। हाँ ठीक है, ठीक है, बाय बाय, पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हॉस्टल, और फिर मिलेंगे हॉस्टल जाने के बाद। कोई बच्ची थी शायद, यहाँ पे खाना बना रही थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, हम लोग पहुँच जाए, फिर आपसे मिलते हैं। सब पहुँच गए हॉस्टल में अपने फ्लोर पे, बट हम अपना रूम का की लाना भूल गए। आपको बोल लेना चाहिए, हम लोग अपने रूम का की लाना भूल गए, इसलिए हम मोनिका वेट कर रहे हैं। और नीचे वो लोग हैं, तो उन लोगों को बोला है कि की लेके आ जाओ। सो मिलते हैं बाद में, अगर हो सकेगा तो हम सब आज मार्केट भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, पहले थोड़ा रेस्ट कर लें। ग्रेजुएशन डे के लिए शॉपिंग करना है, तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है। स्टे ट्यून। की नहीं है हमारे पास, जल्दी आओ, खोलो, सब कोई आ गया। 2000 years later. So guys, हम सब अपने फ्रेंड्स के घर से आए, फिर उसके बाद से सो गए थे, पर अभी जा रहे हैं हम सब मार्केट। तो फिर चलिए मार्केट जाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या करेंगे। हमें हमारा ग्रेजुएशन डे आ रहा है, जिसके उसके लिए हमें शॉपिंग करना है। तो फिर चलिए चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। रोज़ हमें मोनिका ऑरेंज देती है खाने के लिए, बट इतना खट्टा है पूछिए मत, पर वही खाते हैं हम सब। क्या मेहंदी यहाँ पे लग रहा है, मेहंदी रात्रि आ गई, वो करवा चौथ आ रहा है इसलिए लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। वही हम सोच रहे कि आज लड़की मेहंदी लगवा के क्यों जा रही है। सो गाइस, हम सब आ गए हैं मार्केट में, और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि कल करवा चौथ है इसलिए। तो हम सब अभी और आगे जा रहे हैं, हमें लेना है अपने ग्रेजुएशन डे के लिए कुछ कुछ सामान। तो फिर चलिए आगे चलते हैं और सामान खरीदते हैं। और टाइम तो अभी 5 बज गया है, हमारे पास आधा घंटा और टाइम है। सभी हम सब आए दुकान में और हमें लेना है अपने लिए ईयररिंग्स और भी बहुत कुछ, बट अभी हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। रात्रि फ़ोन पे बिजी हो गई है तो इस दुकान में नहीं है, हमें जाना है दूसरी दुकान में। चलिए निकलते हैं इस दुकान से। और रात्रि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, इधर हम यहीं पे रुकेंगे। सभी हम सब वापस आ गए हैं, मार्केट से। हम सब मार्केट गए थे सामान लेने, बट हमें कुछ मिला ही नहीं तो हम लोग वापस आ गए हैं। अभी हमारे पास 3 मिनट टाइम है, हम लोग यहाँ रुके पर बंद कर रहे हैं। भैया गेट बंद कर रहे हैं। भैया 3 मिनट बाद बंद कीजिए। हाँ राम भैया, रात्रि मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा रही है यहाँ पे। थैंक यू भैया, सब्सक्राइब कर रहे हैं इसलिए। सो गाइस, हमारे पास अभी और 2 मिनट टाइम है। सब कोई बाहर खड़े हैं पर भैया हमें बोल रहे हैं अंदर जाओ, बट हम नहीं जा रहे। चलो चलो, थोड़ा 1 मिनट पहले चले जाते, आ जाओ सर, हम सब जा रहे हैं, जल्दी आओ। चलो हम सब आ गए। सो गाइस, मुझे रात्रि 50 बार मतलब बहुत बार बोली थी कि मुझे याद दिलाना कि चाबी लेना है। कोई बात नहीं, तुम्हें याद था ना, अच्छा बात है। से चाबी नीचे ही भूल गए, बट हम और मोनिका दोनों साथ में अभी जा रहे हैं चाबी लेके आने की। छूट गया था हमारा नीचे, और मोनिका को देख सकते हैं विदाउट चप्पल के आई है की लेने के लिए, और इन लोग को डांट पड़ रहा है क्योंकि ये लोग लेट आए। देखो फिर भी हमारे पास 1 मिनट टाइम था, बट अब टाइम हो गया 5:30। सो गाइस, अभी हम सब डिनर करके आ गए हैं और अभी हम सब बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद पढ़ाई करने जाएंगे। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं रोज़ एक ही बात डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, एक ही चीज़ का डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग थर्ड ईयर में ज़्यादा पढ़े थे, लास्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करें, बट हम लोग करेंगे। आप सुनिए कितना तो बस अभी हम लोग जाएंगे। कार्डियक साइकिल पढ़ के नहीं गए तो वही फिर अभी हम सब जाएंगे स्टडी और करने, और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है। और इस बार तो हम लोग ज़्यादा मतलब इधर उधर ही रह गए, जैसे कि पोस्टिंग गए और इंटर्नशिप गए, तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है। तो अभी हम सब जाएंगे स्टडी और पढ़ने। सो बस इतना ही है, और अब हम सब जाने वाले स्टडी हॉल में और पढ़ाई करेंगे। फिर वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।